हेलो हेलो, मैं मल्होत्रा बोल रहा हूँ, अमेरिका से। अच्छा एक मिनट, अभी जीजा जी को बुलाता हूँ। जीजा जी अमेरिका से फोन है आपके लिए। तुझे कितनी मरतब मना किया, अमेरिका के फोन को हाथ मत लगाया कर। जीजू मैंने तो हिंदुस्तानी फोन ही उठाया है, अमेरिका वाला फोन तो उनके हाथ में। हेलो, मैं शर्मा बोल रहा हूँ। हेलो शर्मा। हाँ हेलो, मैं अमेरिका से मल्होत्रा बोल रहा हूँ। क्या हाल है मल्होत्रा? और मैंने अचार भेजे थे, वो कैसे लगे? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। अभी कोई और आता होगा ना तो मैं और अचार भेजूंगा। अच्छा शर्मा सुनो, कल सुबह की फ्लाइट से मेरा बेटा हिंदुस्तान आ रहा है अचार लेने के लिए। नहीं नहीं यार, इतना खर्चा करके अचार लेने के लिए क्यों भेज रहा है इंडिया? मैं भेज दूंगा यार। अचार लेने के लिए नहीं, इंडिया में उसका म्यूजिकल प्रोग्राम है। क्या मतलब, तेरा बेटा गवैया बन गया क्या? हाँ बस यही समझ लो। अच्छा शर्मा, शादी के लिए कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो दिखा देना। अरे कोई क्यों, मेरी बेटी है ना, चिराग लेके सारी दुनिया में तलाश करेगा तो ऐसी बहू नहीं मिलने वाली तुझको। तुम्हारी बेटी? अरे फैंटास्टिक शर्मा, अगर मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी पसंद आए तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन। लेकिन एक बात याद रखना, अमेरिका में रहने के बावजूद मेरा बेटा हिंदुस्तानी रीति रिवाज और संस्कार को नहीं भूला। हाँ तो मेरी बेटी भी पुरानी फिल्मों के हीरोइनों की तरह प्योर हिंदुस्तानी है। अच्छा मैं तेरे बेटे को अपने घर में रखूंगा, तू चिंता नहीं करना। हाँ अच्छा बाय। अरे वाह बेटी बेटा, ये तो दामाद मिल गया। अरे रूपा, अरे ओ रूपा, तैयार हुई क्या? नहीं, अरे फ्लाइट आने का टाइम हो गया, जल्दी करनी। जरा मेरे बेबी को देखो, तुझे ड्रेस पहनने का बिल्कुल सेंस नहीं आएगी। क्यों, क्या बुराई है इस ड्रेस में? टिपिकल इंडियन ड्रेस है। बेबी ड्रेस भले ही इंडियन है मगर आने वाला लड़का तो अमेरिकन है नी, तुझे इस ड्रेस में कैसे पसंद करेगा नी? सर से पाव तक खुद को ढक लिया है, मेरी रूपा का रूप तो कहीं से नजर ही नहीं आता नी। अरे गला तक खुला नहीं छोरा कि वो मंगल सूत्र पहना सके। चली मम्मी, मैं उसे एयरपोर्ट रिसीव करने जा रही हूँ, मंगल सूत्र पहनने नहीं। अरे पापा नजर न लग गए, कितनी मासूम है नी मेरी बेबी। अरे इतना पैसा खर्चा करके अमेरिका से इंडिया शो करने के लिए बुलाया, किसके लिए? ताकि वो तुझे पसंद करे और मेरा दामाद बने, समझा करनी। अब जो ड्रेस मैं बोलूंगी वो पहन कर चल मेरे साथ। गुड बेबी है नी। अरे बेबी जल्दी चलनी, कम कम चलो, जल्दी करो जीजू, प्लेन लैंड हो चुका होगा। कम 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 ओफो डैड, मुझे नहीं आना है। डैडी वो क्या एयरपोर्ट आके वापस जाने वाला है? वो हमारे घर में रहेगा। तो मैं उसे वहाँ मिल लेती, मुझे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मैं चाहता हूँ वो जैसे हिंदुस्तान आए उसकी नजर सबसे पहले तुझ पे पड़े, वो तुझसे प्यार करने लगे। अगर प्यार इसे करेगा तो शादी किसे करेगा? मुझसे करेगा, आपसे। डैडी अगर आप मुझे इस तरह खींच कर ले जाओगे तो लोग क्या समझेंगे? बाप बेटी का प्यार है ये समझेंगे, बेटी बड़ी हुई उसका हाथ पकड़ के ले जा रहा है। नहीं जीजा जी, लोग ये समझेंगे कि बेटी किसी मवाली के साथ भाग रही थी इसलिए बाप उसे विदेश भेज रहा है। तेरा मुंह बातें करते हुए अच्छा नहीं लगता, फेवी गोल्ड डाल उसके अंदर। नमस्कार शर्मा जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ जी, आप यहाँ कैसे? क्रिकेट खेलने आया हूँ। अरे मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका जा रहा है, उसको लेने आया हूँ। हमारे की बात समझ नहीं आती। धीरे जीजा जी, माला टूट जाएगी। अरे ये कोई मुमकिन माला नहीं जो टूट। माला कहाँ है? माला आपके हाथ में। अरे उल्लू के पट्टे, ये नहीं मेरी बेटी माला कहाँ है? हाँ वो कहाँ है? अरे तुम यहाँ बैठे हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जरा इधर आओ ना। क्यों? क्योंकि मेरे बाप को दादा बनना है और मेरे मामा को। अरे दूर हटके बोलना जो कुछ बोलना है, आज मैं बहुत टेंशन में हूँ। मेरे बाप ने अमेरिका से एक नया हीरो इंपोर्ट करके मंगवाया है। तालियां तालियां, क्योंकि नया हीरो आ रहा है इसलिए तालियां तालियां। तुम्हारी हीरोइन से शादी करने वाला है वो अमेरिकन। अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या बोला? I'm very sorry. It's all right. मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे धक्का मारा। Okay, it's all right. I'm very sorry. I said it's okay, sir. ओ मेरे राजा, मेरे गले में मंगलसूत्र डाल दे और इस माला को अपने गले से लगा ले। चल चल दूर हट, मुझे पालने का मेरे को कोई शौक नहीं है। अच्छा कमाल है, मेरा धक्का आपको एक बार लगा और मैंने आपसे तीन बार सॉरी कहा लेकिन फिर भी आपने मुझे मारा। मैंने धक्का नहीं मारा सर आपको।
जीजू ये तो चलते फिरते लड़कियों से टकराता है। अरे जाते जाते एक बार प्यार तो कर लो। ये अपने पास टाइम नहीं है, चल। तो फिर एक तो डजन किस तो दे दो ना। ये तो मेरे को बहुत ही डर है। चल एक घूंट दे दे। नहीं बोला एक घूंट मैं एक घूंटू। ओ इंस्पेक्टर कुछ कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, तेरे कान बज रहे हैं। नमस्ते। अरे आइए ना, आइए आइए। हेलो, वेलकम टू इंडिया। माय लेडीज क्लब की प्रेसिडेंट सुंदरी मोटवानी। वरी मैंने ही तुम्हारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है नी। ये मेरी बेटी रूपा है, मेरी छोटी बहन जैसी लगती है नी। रूपा ये प्रेम है, प्रेम करो नी। मेरा मतलब है प्रेम से हेलो करो नी। अरे तुम कुछ बुला रही है? तुमसे किस दिलवाने के लिए और क्या? अरे अगर इन लोग इधर आ जाएंगे ना तो मेरी वाट लगा देंगे। तो फिर किस दे दो ना। तुम मानेगी नहीं? इंस्पेक्टर जी। गुड बॉय, बड़ा फास्ट रहेंगी चक्रा। लाला मेरी तो नहीं जो ये तो तुम्हें क्या करूं? अरे रोको रुको। अरे बेटा अमेरिका नहीं है, हिंदुस्तान है, ऐसे कहीं भी बुरी डाल देना चाहिए। मिस्टर वो कितना प्यार से किस करता है। अरे प्यार नहीं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है? एक तो फोकट में लाइन में घुस गई। जीजू अरे अपनी तकदीर खराब है यार, अगर अपनी माला पहले आ जाती तो अपनी माला को मुँह में कर रहा होता यार। अरे ये तो इतना होता वाला है कि अगर आप पहले पहुंच जाते तो ये आपको सुनने का तो क्या बोलेगा भे? ये तो सुन रही क्या है? बेबी I'm sorry, I'm very sorry. Please understand. I'm very sorry. बेचारी को कितना बुरा लगा होगा। अरे मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा नी। अरे तुमको क्या को बुरा लगा? वो तुमको थोड़ी पप्पी किया उसने। बेटा वो मेरे को पहचाना? मैं तेरा अंकल। अंकल आजा बेटा। अच्छा चलो। अरे प्रेम वो प्रेम को ले गया नी। अरे प्रेम रुक जा बेबी। देखिए अपनी बेटी की करतूत, मेरे सारे किए के अलावा पानी फेर दिया। कितने अरमानों से उसे एयरपोर्ट लेके गया ताकि वो लड़का उसे देखे और वही पसंद कर ले। पता नहीं कहाँ गायब हो गई। बेटी किसकी है? हा? मैं बोला परदेसी परदेसी जाना। ये क्या डैडी, अब मुझे एयरपोर्ट पर छोड़कर कहाँ चले गए थे? पता है मैं कितनी घबरा गई थी। वाह ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटना हुआ। हम तो जी छोड़ के गए थे कि ये हमको छोड़ के चली गई थी। तू बोल क्या कसूर आपका है? हा? आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है, बिल्कुल आप पर गई। देखिए खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? देखो अमेरिका वाला आया है, जा उसको कंपनी दे। कंपनी तो मैं उसे ऐसे दूंगी कि वो इंडिया छोड़कर वापस अमेरिका भाग जाएगा। सी यू दैट टाइम। ए तू कुछ गड़बड़ मत करना यार। क्या है? हट होट है। ए बैंड मास्टर, अमेरिका वालों ने नाचने गाने का चांस नहीं दिया तो इंडिया का टिकट कटवा लिया। तेरी यहाँ दाल नहीं गलने वाली, चल वापस जा। ओ मेरे राजा, तुमने तो कमाल कर दिया। कितनी जल्दी उस अमेरिका वाले को कल्टी करके मेरे बेडरूम तक पहुंच गए। ओ माय लवर यू आर सो क्लेवर। देखिए देखिए मैं आपका लवर नहीं हूँ, प्लीज रखिए। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला? क्या हुआ? ये कौन है? ये मेरी बहन की बेटी है। ये आपकी क्या लगती है? ये मेरी बहन के पति लगते हैं। घर जा, मुझे भी तो बोले थे ये मेरी बेटी माला है। मुझे माफ कर दीजिए मेरे प्राणनाथ, सॉरी मेरे जन्मदाता, मेरे पालनहारा। कौन? माय फादर। मैंने अपने तन मन धन से इन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। हाय जीजू, ये अचानक स्टार टीवी में से दूरदर्शन कैसे हो गई? दामा जी ये तुमने कौन सा बटन दबा दिया, अचानक चैनल चेंज हो गया एकदम। देखिए मैं कोई दामाद दामाद नहीं हूँ, मैं प्रेम हूँ, प्रेम मल्होत्रा। जीजू ये आपका दामाद नहीं बन सकता। मैंने तेरे को पूछा था? नहीं बोलूंगा, हमेशा बोलता हूँ और डांट पड़ती। बताओ वो टैक्स किसके?
दीजिए। कौन है उसका मुझे मालूम। मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। मुझे ताऊ कहते हैं। मैं टाइगर का गुरु हूँ। यहाँ आने का तुम्हारा मकसद कुछ खास बात नहीं है इंस्पेक्टर। मेरे कुछ 100 ड्रग्स के करीब चलते हैं जिनका काम हाशीश गांजा और ड्रग्स को लाना और ले जाना है। चौंकने की जरूरत नहीं, यहाँ सब पुलिस वाले जानते हैं मगर चुपचाप रहते हैं। बैठो तो। हाँ इंस्पेक्टर, सरकार आपको कुछ 5,000 रुपए के करीब तनख्वाह देती होगी मगर मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा। और हाँ, आप जैसे अच्छे गेस्टों के लिए मेरा गेस्ट हाउस हमेशा खुला रहता है। थैंक यू वेरी मच। मैं भी आप ही के टाइप का आदमी हूँ। अच्छा। जितना काम करता हूँ उतनी ही पगार लेता हूँ। वैसे आप जैसे गेस्टों के लिए मेरे पास एक छोटा सा गेस्ट हाउस अंदर है। मेरी नौ ट्रांसफर हो चुकी है और 10वीं के लिए मैं तैयार हूँ। देखो बच्चे, जितनी तुम्हारी उम्र है ना उससे कई ज्यादा तजर्बा है मुझे। अब मेरी बात गौर से सुनो और उसको समझने की कोशिश करो। जितने ट्रक्स तुमने पकड़े हैं ना उन्हें छोड़ दो, इसी में भलाई है तुम्हारी। और अगर नहीं छोड़ा तो? अपने बीवी बच्चों का ख्याल तो करो इंस्पेक्टर। तुम जैसे लोगों की धमकी मुझ पर असर ना करे इसलिए अभी तक मैंने शादी नहीं की। आ रा 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 रा। अभी तक शादी नहीं की यानी मरने के बाद पीछे रोने वाला कोई भी नहीं है। टाइगर, भगवान इसका भला कर,